इक्वाडोर में भूकंप के तेज झटके, 14 लोगों की मौत, रिक्टर पैमाने पर 6.8 की तीव्रता। इक्वाडोर के कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके, भूकंप से 380 से ज्यादा लोग हुए घायल। न्यूज चैनल पर देखी भूकंप की लाइव तस्वीरें, भूकंप के वक्त स्टूडियो से भागते नजर आए लोग। इक्वाडोर में भूकंप के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबे को हटाने का काम जारी। पेरू में भी दिखा भूकंप का असर, एक शख्स की मौत, सड़कों पर मची अफरा तफरी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चलेगी बस सर्विस, अफगानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान के पेशावर तक होगी ये सर्विस। अफगानिस्तान में मीडिया पर अंकुश बढ़ा, रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद से 50% से ज्यादा पत्रकारों ने नौकरी गंवाई। इसराइल में जारी है कानूनी सुधारों का विरोध, तेल अवीव में जमकर हुए प्रदर्शन। तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसराइल में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, कई लोग घायल। यूक्रेन कर रहा पुरानी गाड़ियों की मरम्मत, बखमुत में सैनिकों के इस्तेमाल के लिए की जा रही है मरम्मत। यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच हुई वर्चुअल बातचीत, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हुए शामिल। डोनेस्क में लगातार जारी है युद्ध, गोलीबारी में तबाह हुए कई घर, फंसे हुए हैं लोगों का हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, डोनेस्क के लोगों का दावा, पुतिन को गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी में नहीं। यूक्रेन में शिविर में जबरदस्ती रखे जाने के बाद दोबारा अपने परिवार से मिली बच्ची, बच्ची ने बताई आप बीती, पुतिन पर लगा है बच्चों के अपहरण का आरोप। डोनेस्क में घायल हुए लोगों का किया जा रहा इलाज, यूक्रेन इसराइल की मदद से चलाया जा रहा अभियान। पूर्वी डॉनबास में जारी है रूस के जोरदार हमले, हमले के बीच एक परिवार का किया गया रेस्क्यू। पुतिन की गिरफ्तारी के वारंट का जर्मनी ने स्वागत किया, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। क्रीमिया के दौरे पर रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन आर्ट स्कूल पहुंचे, क्रीमिया के ऐतिहासिक पार्क का दौरा किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, महिलाओं को यौन संबंध के बदले भुगतान करने का। डोनाल्ड ट्रंप ने की समर्थकों से अपील, गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करें। ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान का युद्धाभ्यास समाप्त, युद्ध के हालात में की गई ड्रिल। कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती और सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुजिक के बीच हुई मुलाकात, बेलग्रेड और प्रिस्टीना के बीच संबंधों को सामान्य बनाने पर समझौते पर चर्चा। जापानी पीएम किशिदा ने की जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स से मुलाकात, वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा। उत्तर कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, जापान के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। नॉर्थ कोरिया का बड़ा दावा, अमेरिका से लड़ने के लिए करीब 8 लाख नागरिक आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। मध्य कोलंबिया में कोयला खान विस्फोट में मारे गए लोगों के लिए शोक सभा, सैकड़ों लोग शामिल हुए। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग करेंगे रूस का दौरा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। पेरिस में पेंशन सुधार को लेकर जारी है प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पुलिस ने किया आंसू गैस का प्रयोग। दक्षिण मलावी में बाढ़ से भारी तबाही, कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। पुर्तगाल में वेतन बढ़ाने को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, सड़क पर जमकर नारेबाजी। लंदन में जातिवाद के विरोध में प्रदर्शन, कई लोगों ने किया प्रदर्शन। मेक्सिको में कार रेस का आयोजन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तेज रफ्तार कार का वीडियो। कैलिफोर्निया में लेक तोहायो में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। मिस्र और तुर्की के संबंधों में हो रहा सुधार, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई मुलाकात। फ्रांस का लेक मॉन्टबेल झेल रहा है सूखे की मार, लेक का ज्यादातर हिस्सा सूख गया। कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से भारी नुकसान, कई किसानों की फसलें बर्बाद। ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग नदी में मिला लाखों मरी हुई मछलियां, नदी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत। अफगानिस्तान ने यूएन से लगाई मदद की गुहार, सूखे की वजह से देश में छाया गेहूं का संकट। तोशाखाना मामले में कोर्ट में पेश होने के बाद इमरान खान को बड़ी राहत, गिरफ्तारी वारंट रद्द, 30 मार्च को अगली सुनवाई। इमरान के घर से मिले 5 AK-47। इमरान की पेशी के दौरान जमकर बवाल, कई पीटीआई के समर्थक हिरासत में लिए गए। स्लोवाकिया ने की यूक्रेन की मदद, यूक्रेन को दिए MiG-29 फाइटर जेट। यूक्रेन को फाइटर जेट डिलीवरी पर क्रेमलिन का बयान, कहा नष्ट कर दिए जाएंगे सारे जेट, इससे नहीं बदलेगा युद्ध का रास्ता। रूसी सेंट्रल बैंक के अधिकारी का बयान, कहा रूस की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा पश्चिमी बैंकों के उथल पुथल का असर। क्रेडिट स्विस के शेयर्स में इस हफ्ते 26% गिरावट, अक्टूबर 2008 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट। अफ्रीकी देश मलावी में तूफान फ्रेडी ने मचाई तबाही, अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत। कैलिफोर्निया में आसमान में देखी अद्भुत लाइटिंग, लाइटिंग को देखकर हैरान रह गए लोग। फ्लोरिडा से सामने आया अनोखा वीडियो, क्रेन पक्षी ने मगरमच्छ को डराकर भगाया।